1 अप्रैल 2018 दिन रविवार किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए भी आज शाम तक का समय जो रहेगा वह पारिवारिक उलझनों को लेकर रहेगा। भूमि प्रॉपर्टी वाहन से लेकर कुछ व्यवस्थित रहेगा। रोग ऋण शत्रु कोई परेशान कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद कुछ राहत आपको देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम प्रभाव दिखाने वाला होगा। प्रेम संबंधों में खर्चीला दिन कह सकते हैं। सेहत के मामले में भी दिन मध्यम दिखाई दे रहा है। शाम के बाद सेहत में भी सुधार होगा। अच्छी सेहत आपको देखने को मिलेगी। फिजिकली आपकी ठीक है सेहत। मेंटली जो परेशानी है वह शाम के बाद ठीक हो जाएगी। बचत और धन को लेकर खर्च का योग बना हुआ है। इनकम आपकी कंटिन्यूस शनै शनै प्रगति कर रही है, हो भी रही है। भाग्य प्रतिशत 90%। वृष राशि के जातकों के लिए आज खास तौर पे संतान संबंधी खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। अचानक से कोई धन लाभ का योग बन सकता है। विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी। पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्यों की आज प्राप्ति हो सकती है। लव और रोमांस में भी वृद्धि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पार्टनर्स इतना आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरीके से सही चल रहे हैं। शाम के बाद थोड़ा सा वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिएगा। कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे भी बचने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। प्रेम संबंध भी मध्यम कहे जा सकते हैं। सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता शाम के बाद बन सकती है। मेंटल प्रेशर थोड़ा सा हो सकता है। धन बचत आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतनी नहीं जितनी आप चाहते हैं। आय को लेकर भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कैरियर को लेकर थोड़ी स्टैग्नेशन आप फील कर रहे हैं, कि जैसे कोई ठहराव सा आ गया है। भाग्य प्रतिशत 55-60%। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम कहा जा सकता है। एक और धन के अवसर बढ़ेंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। मकान भूमि वाहन के सुख बढ़ सकते हैं। माता से सुख प्राप्त हो सकता है। उनसे तालमेल भी अच्छा होने का योग बनता है। शाम के बाद आपको संतान संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। प्रेम संबंध आज अच्छे प्रभाव दिखाएंगे आपको। बचत बढ़ेगी। आय भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बढ़ेगी, उसमें भी वृद्धि होगी। खास तौर से जो आपके साझेदार हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसे प्रेम मोहब्बत से प्यार से सुलझाने का प्रयास करें। कैरियर के हिसाब से आज का जो दिन है वह अच्छा कहा जा सकता है। भाग्य प्रतिशत 80%। कर्क राशि के जातकों के लिए आज खास तौर से जो ट्रैवलिंग करने के लिए कोई अगर आप बाहर गए हुए हैं तो वह शाम के बाद आप लौट सकते हैं अपने घर को। उसके बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। साथ ही साथ कल सारा दिन आप ट्रैवलिंग मोड में रहेंगे, यात्रा करते रहेंगे और मेहनत भी ज़्यादा करने का मन करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों के हिसाब से आज का दिन कुछ ज्यादा खास नहीं कहा जा सकता। सेहत के मामले में दिन ठीक है। धन के मामले में बचत जो है वह आपकी बढ़ेगी।
आय भी आपकी बढ़ेगी कार्य के अनुरूप। कैरियर के हिसाब से स्ट्रगल करने का दिन रहेगा। भाग्य प्रतिशत 70%। सिंह राशि के जातकों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन कहा जा सकता है। एक और अपने कुटुंब की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी वाणी की तरफ, अपने रिश्ते नातों की तरफ, अपने संबंधों की तरफ, बचत की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी खर्च का योग, सडन से खर्च का योग बना हुआ है। सिंह राशि के जातकों के लिए शाम के बाद कुछ ट्रेवल हो सकता है, मेहनत बढ़ सकती है, कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सही कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों के हिसाब से भी दिन मध्यम है। सेहत के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखें फिजिकली, और बचत और आय को लेकर संघर्ष बना हुआ है। अचानक से कोई धन की वृद्धि हो सकती है पैतृक संपत्ति से, LIC से, जीवन बीमा वगैरह ये सब, और कोई अटका हुआ पैसा है या इंश्योरेंस है वहां से। कैरियर के हिसाब से दिन भाग्य के बल पर कैरियर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य प्रतिशत 65-70%। कन्या राशि के जातकों के लिए नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन के अवसर मिल सकते हैं, कुटुंब की जरूरतें पूरी होंगी। शाम के बाद और अच्छा माहौल बनेगा, कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहेगा। प्रेम संबंधों के हिसाब से ठीक ठाक सा ही, मध्यम सा ही, और बचत आपकी कुटुंब से, अटके हुए पैसे से, कहीं गड़े हुए पैसे से बढ़ सकती है। आय आपकी बढ़ेगी। कैरियर के हिसाब से पार्टनर्स के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से कैरियर में तरक्की होगी। भाग्य प्रतिशत 55%। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्च की अधिकता रहेगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन झेल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, विदेश से कोई कार्य का संबंध स्थापित हो सकता है। शाम के बाद हालत में सुधार होगा आपकी, और एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आपको महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए दोहरी मानसिकता, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन ठीक कहा जा सकता है, विलंब से होंगे लेकिन आपके प्रेम संबंध डेवलप जरूर होंगे। आय को लेकर संघर्ष करना पड़े, बचत आपकी बढ़ेगी अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से। सेहत ठीक कही जा सकती है, सेहत में सुधार होगा। कैरियर में भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी, सही कह सकता हूं। भाग्य प्रतिशत 55%। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन लाभ के नए अवसर खुलेंगे। शाम के बाद खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन खर्च जो होगा वह मांगलिक कार्यों पर होगा, कोई धार्मिक कार्यों पर होगा और अच्छे कार्यों पर होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन मध्यम है, मध्यम से ऊपर ही कहा जा सकता है, और फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेहत ठीक ठाक ही कही जा सकती है। वाणी में क्रोध बहुत है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, सोच समझकर बात करें, मौन रहें, कम बोलें तो ज्यादा अच्छा है। ध्यान सारा अर्थ की तरफ, सेविंग की तरफ, कुटुंब की तरफ लगा हुआ है, परिवार की तरफ लगा हुआ है। परिवार काफी लोगों का बिखरने के कगार पर है, जैसे कि कोई ज्वाइंट फैमिली होती है वह टूट सकती है और सोल परिवार में तब्दील हो सकती है, तो कैसे परिवार को समेटा जाए
इसमें लगे हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए मैंने बता ही दिया है कि अच्छा है, धन खर्च की तरफ ज्यादा हो रहा है, आय भी इतनी नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए, कैरियर के हिसाब से ठीक है दिन, भाग्य प्रतिशत 60-65% धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम कहा जा सकता है। सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि का योग बनेगा, सारे कार्य बनेंगे आपके। कैरियर को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, कैरियर में चेंज हो सकता है, मन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है, एक ही जगह कंसंट्रेट करें अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम के बाद इच्छाओं की पूर्ति, जो कार्य किए हैं उसमें अगर समस्या है तो वह शाम के बाद ठीक हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है, प्रेम संबंधों के हिसाब से भी दिन अच्छा कहा जा सकता है, लव रोमांस में वृद्धि का योग रहेगा। कला के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को आज कुछ एक्रेडिशन मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, सम्मान प्राप्त हो सकता है, घर का कोई व्यक्ति फेमस हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है, प्रेम संबंधों के हिसाब से भी दिन अच्छा कहा जा सकता है, बचत कम है, आय की इनकम की कंडीशन सुधरती हुई नजर आ रही है, इनकम में बदलाव भी दिखाई दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बदल सकता है। कैरियर के हिसाब से दिन मध्यम और भाग्य प्रतिशत 70%। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम कहा जा सकता है, धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, नीति का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, मंदिर में जा सकते हैं या फिर अपने धर्म स्थान पर विजिट कर सकते हैं, गुरु के धाम पर गुरुओं से, पिता से, बड़े बुजुर्गों से सम्मान प्राप्त होगा। शाम के बाद कार्यों की सिद्धि होगी, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता का योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खर्चीला, प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन उत्तम, सेहत के मामले में दिन मध्यम, सेहत आपकी एवरेज चल रही है, धन आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, आय आपकी खर्च होती हुई दिखाई दे रही है, विदेश से अगर कोई संबंध है आय को लेकर तो आपकी बढ़ सकती है, और आपका मित्र वर्ग और सर्कल भी आपका विदेश से जन्म स्थान से दूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैरियर के हिसाब से दिन ओके है, अच्छा कहा जा सकता है, भाग्य प्रतिशत 65-70%। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास तौर से विपरीत राजयोग बना हुआ है तो उसका पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पहले विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। सुलझाने का प्रयास करें, सुलझ सकता है मामला आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का भी क्यों ना हो। शाम के बाद आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी और भाग्य साथ देना शुरू करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सही कहा जा सकता है, टीवी पिक्चर एंटरटेनमेंट में ज्यादा ध्यान लगेगा। प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन भी मध्यम ही कहा जा सकता है, कार्य क्षेत्र पर आपके प्रेम संबंध बिगड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए मैंने बता दिया है, बात करेंगे सेहत की तो सेहत ठीक ठाक नजर आ रही है, सेहत में इंप्रूवमेंट होगी। कैरियर के हिसाब से दिन अच्छा है, जो कार्य कर रखे हैं उनका आपको फल मिल रहा है। भाग्य प्रतिशत 85-90%। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई प्रेम प्रसंग आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है, घर के सदस्यों का भी उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, और शाम के बाद संतान संबंधी और अचानक से जो स्पेकुलेटिव कार्य करते हैं उससे संबंधित कोई चिंता हो सकती है, अचानक से कोई खबर आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सा है, प्रेम संबंधों के हिसाब से भी दिन ठीक ही कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। शाम के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जरा बनते बनते काम बिगड़ सकता है।
धन बचत जो है वह आपकी बढ़ेगी, आय भी आपकी, आय में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आय के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो धन बचत मैं कह रहा हूँ बढ़ रही है वह खास तौर से उन लोगों की है जिनकी कॉमन ट्रेजरी है, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। कैरियर के हिसाब से दिन ठीक कहा जा सकता है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। जो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर पैतृक कार्य पुश्तैनी कार्य करते हैं उनको अब लाभ मिल सकता है। भाग्य प्रतिशत 75%,